फैमिली तो मैं यहाँ पे नहा धो के हो चुकी रेडी। अब चलते हैं किचन में, देखते क्या बनेगा। आधे से ज्यादा मतलब हो चुका है पूरी व्यवस्था, बट देखते हैं फिर भी क्या रहेगा। नहा धो के भी बाद में मेकअप वो करेंगे। तो चलते हैं किचन में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो आज का ब्लॉग है बरगदाही पूजा का, और पूजा में क्या बना है वहाँ पे चढ़ाने के लिए बरगद बाबा पे, तो वो सारा आपको इस ब्लॉग में मिल जाएगा। और ब्लॉग को इंजॉय करें, ब्लॉग को प्यार दें। जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहा है, जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, देन आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इस वजह से मैं बोलती हूँ कि आप बेल को मतलब प्रेस कर दिया करिए एंड ब्लॉग में देखिए, बने रहिए। निकाले तो बढ़ते अपने ब्लॉग की तरफ। और हाँ, ये ब्लॉग जितना से भोकर रहेगा, इसके नेक्स्ट पार्ट का जो आएगा वो व्रत सावित्री पूजा का आएगा। तो पूजा में कौन कौन गया हमारे साथ, वो उस ब्लॉग को देखने के लिए आप वीडियो को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपडेट मिलती है। सो लेट्स सी, बढ़ते वीडियो की तरफ। ये है मेरा किचन, ये है हमारी जिठानी जो कि लगी है काम में। हम भी आ रहे हैं हेल्प करने, हम टूटा फूटा वाला करने वाले, बड़ा वाला कोई काम नहीं कर पाते ज्यादा। हमारी दीदी कहती तुम ना करो, हम ना करें ना। हल्दी कद्दू सब्जी, और क्या बना दीदी? छोला बन रहा है, कचौड़ी बन रही है, लगा भरता कचौड़ी का। हम जा रहे धनिया काटने। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी चाची आई हुई है गांव, ये धनिया काट रही है। अब चाकू हो गया है बंद, चाकू हो गया बंद, अब धनिया आ गई है रुक, धनिया गई रुक, गांव सारा गया है रुक। खाना देगा तू बाहर से, खाना खाते हो बाहर, पता नहीं कहां करते ना, बाहर में धारा में गई है थी ना, को काम दिशा गए थे कभी। अच्छा, आप कट तो रही है धनिया? नहीं, ब्लड तो नहीं आ रहा। अब धनिया कटने लगी है, धनिया कटने जा रही है। सही बात है, बस थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करना। अच्छा, तो ये हमारी चाची अब चावल पीस रही है। काम लिया जा रहा है हमारी चाची से, बहुत काम, बहुत ज्यादा। बेरहम जिठानी हो आई, इतना काम करा रही, हमसे पूछो ना। हमारी भरोसी आने लगी। अब तक वो सब्जी बना रही है, पर ये नहीं, जितने बड़े काम वो सारा दीदी कर रही है। आज हमारी चाची से कितना काम लिया जा रहा है, हमारी मम्मी इतना काम करवा रही है। मेरी सारी बहुत अत्याचार करती है, डाल के बना रही है। बस इतनी अच्छी। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये है भरता, आलू का भरता। ये रही हमारी चाची, बहुत परेशान हो गई है कल से काम करते करते। लगे हाथ यहाँ मिक्स कर दियो, हमने लव अच्छी है मिक्स कर दी। भैया बताना, देखो 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 देखो, बस करे बस। बस पहले धीरा के दो ही काट ली, यहाँ पे सारा बन गया। भोग भोग का भी बन रहा है, खाने का भी बन रहा है ना दीदी। इसका सब तो यही मंदिर घर पे, घर वाले भगवान पे लगेगा ना, वहाँ वहाँ पे लगेगा। कोई बात नहीं, जहाँ जैसे जाओ वैसा बात करना जी, है ना। तो बस अब बनना है इसको पूड़िया। दी पूड़िया तो बनना, और तो बनेगा नहीं पूड़ी कचौड़ी ना, बस पूड़ी कचौड़ी
पूड़ी कचौड़ी पुआ बचे, बाकी सब कुछ बन चुका है। तो भैया हम यहाँ पर निकालने वाले हैं क्योंकि हमसे फूट जाती है बेलने में, तो हमें कहा दीदी तुम ही बेलो। हाँ दीदी बेलेंगे, हम निकालेंगे, ठीक है। ब्लॉग बने रहे, ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब बेसिकली, कमेंट कर दे नम्रता की दुनिया पर, मेरी फैमिली को और बड़ा कर दे। सो लेट सी, पिछली बार हम लोग तुम गाइस आप देख सकते हैं मेरी चाची लड्डू बना रही है। गोले बना रहे, गोले बरगदा है, बरगदा है, तो मम्मी चाची से सूट बनवाया करेंगे। हम मना नहीं पाते, सिर्फ डिजाइन बताते हैं, बनवाना टेलर से पड़ेगा, सिल नहीं पाते, सिलना चाहे सिल ले पर टाइम नहीं लगता इनको, स्कूल से लेने जाओ फिर छोड़ने, कोचिंग जाओ साइन, टिम्बर गाड़ी चलती रहती है, गंदा यार वो क्यों। तो गाइस ये बंदा पूजा के लिए तो क्या कहते हैं ऐठा वैठा लड्डू आते ना, क्या लड्डू, लड्डू लड्डू भी नहीं, हमारे लड्डू भी बन गए छोटे साइज के, बेसन के आज कर रहे हैं ना, आज फ्राइड है, आज फ्राइड है, कल सैटरडे, ये लड्डू पड़ रहे हैं गाइस देखो, हमारी चाची बहुत काम की है, सब खाना बना डाली अब लड्डू बना रही है चाची, बोली काम है, जिसको खाना हो वो आ सकता है हमारे घर, और लोकेशन चाची यूट्यूब पे डाल देंगे। आज की ब्लॉगिंग कर रही हमारी बिटिया रानी, मैंने कहा चलो आप भी ब्लॉगिंग कर लो, और मैं यहाँ पे बना रही थी भोग में क्या क्या लगता है, कैसे क्या होता है, सबके यहाँ डिफरेंट होता है ये, हो सकता है मे बी, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये पूजा सेम, थोड़ी बहुत सेम मिलती जुलती मतलब होती है हर जगह पे, और कहाँ पे कैसे क्या होता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ भोग में बनते हैं बरगद और ये गोल वाले और पुए, यही सब बनता है, आपके यहाँ क्या बनता है कमेंट में बताना। बन रहा है पूजा का, ये बन रहे हैं लड्डू, वो बना रही है हमारी चाची, और हमारी मम्मी बेलने पे लगी हुई है, चाची हमारी बहुत काम कर रही है, जब से आई है। थैंक यू थैंक यू। धीमा कर देगा दी, हाँ ना थोड़ा, नहीं तो पता चले कच्चे रह जाए अंदर, गुलगुले और बरगद यहाँ पे बन चुके थे। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे मीठे वाले पुए, क्योंकि ये भी भोग में ही वहाँ पे चढ़ेगा बरगद पे, और भोग बनाने के बाद हम सब होंगे तैयार, और कैसे पूजा की वो सब कुछ आपको बस इसके बाद जो ब्लॉग आएगा उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्लीज़ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए। यहाँ पे बन गया है, अब बचा पुआ, कैसे फूले हैं बड़े बड़े देखो जरा, देखा गाइस पकौड़ी बन चुकी है गाइस, ये देखो निकाल ले, हाँ निकाल होगा ना, मीठे हैं, यस मीठे वाले बनने हैं, मीठे ज्यादा गर्मी लग रही, सुबह ही सुबह इतनी तेज धूप हो गई एकदम, पूछो ना। हम्म,
बिया कहूँ नए मिले हैं। लाइट जो कहूँ देने अरे दोया भी भोग का बनाने के बाद यहाँ पे हमने बनाया था कचौड़ियाँ, क्योंकि ये था पूजा करने से जाने से पहले सब बना के जाना है, अदरवाइज आप जब लौट के आओगे तो बहुत तेज़ धूप हो जाती है और गर्मी बहुत लगती है। तो हम लोग यहाँ पे पूरा खाना बना करके फिर गए थे पूजा करने, लौट के कुछ ना करना पड़े। दादी पूजा करनी है हम देवरानी जिठानी तो काम कर ही रहे थे, साथ में मम्मी ने कहा कि भाई मैं भी लग जाती हूँ, और मेरी मम्मी यार बहुत अच्छी हैं, मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी ही कम है, मतलब साथ में हम लोग के लगी रहती हैं हर टाइम, ऐसा नहीं कि वीडियो में ही नहीं, वो मतलब पूरे टाइम हम लोग के साथ अगर हम लोग कर रहे हैं तो साथ में हम लोग की लगी रहती। तो यहाँ पे हम लोग का मतलब दान का वो जो है एक पन्नी में पैक कर रही थी कि दान अपना अपना चढ़ा देना, जो जो हम लोग के यहाँ पूजा करने के बाद, ये मतलब हमसे जो छोटे होते हैं उनको दान करना होता है, नंद को या किसी कन्या को, जिसको भी आप चाहो उसको दान कर दो। तो वही मम्मी कह रही थी इस तरह से एक जगह पैक कर ली ताकि मतलब फैले ना और मिट्टी वगैरह ना लगे वहाँ पर, पता नहीं कैसे क्या हो रखने की व्यवस्था, तो मम्मी उसको पैक कर रही थी यहाँ पर अच्छे से। आधा घंटा तक और हाथ पकड़ के ला के बैठे। ये कोन एक तरीके से बहुत अच्छा है, इंस्टेंट मेहंदी के लिए बहुत अच्छा, आप लगाओ और 5 मिनट बाद इसको धो, मतलब धो या वो वैसे ही निकल जाती, बट यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी थी, मेहंदी लगा, ये मतलब मेहंदी लगाया और इसमें कलर रहता है, तो जब मैं मेकअप मैंने किया नहीं था बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे मैं कुछ लगा रही थी मेरा फेस ऑलरेडी रेड रेड सा हो जा रहा था, इस वजह से मैंने कोई मेकअप नहीं किया था, बस सिंपल से ज्वेलरी और साड़ी वेयर किया था और हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाया था फेस पे, वो भी मेरी जिठानी की बिटिया ने लगाया था, मैंने लगाया भी नहीं था क्योंकि जैसे मैं कुछ फेस पे लगा रही थी मेरा पूरा फेस लाल हो जा रहा था। तो ये आप ध्यान रखें कब मेकअप के 1-1.5 घंटे पहले इसको लगवा लें, मैंने मेकअप के विदिन 5 या 6 मिनट पहले ही लगवाया था मेहंदी, तो इस वजह से ऐसा हुआ। तो बाकी और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, बाय।